गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और ये अपने भावेश भाई स्टाइल में वॉक कर रहे हैं। स्टाइल बहुत मारते हो भैया तुम। और भावेश भाई इस पर्टिकुलर व्यू को क्या बोलोगे? झकास। तो ये अपने भाई लोग, तो भाई लोग पुणे तिथे गणपतीचा पावला कड़े। तो चलो, आईफोन इतना कैप्चर नहीं कर पा रहे, लेकिन जो रिये देखो क्या अलग ही सुंदर लग रहा है यार। जबरदस्त, ऑसम, दिस इज सिंपली स्पेक्टेकुलर व्यू। Hey, good morning guys, welcome back to my YouTube channel. So, good morning from Burundi. अभी मैं exactly मेरे घर के सामने खड़ा हूँ, भावेश भाई शूट कर रहे हैं। भावेश भाई थोड़ा सा घर दिखा दो, ये थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाद में आराम से आपको एक दूसरे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, बेसिकली नाश्ता वाश्ता पूरा कर लिया हम लोग ने, नाश्ता कहाँ किया उसके डिटेल्स में दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पोहा खाया हम लोग ने और कल रात को चिकन थाली खाया था, बहुत ही ज़बरदस्त था। वो कहाँ से लिया उसका डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वीडियो में फ्लैश भी कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, पहले हम लोग जाएंगे परशुराम भूमि, जो कि परशुराम भगवान का बहुत बड़ा स्टैचू है, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे गणपति मंदिर में, जो जिसको बोलते हैं कड़ियावरचा गणपति, जिसको मराठी में कड़ियावरचा गणपति बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है दापोली साइड में। तो ये दो पहले करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो आपको नेक्स्ट आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलो फटाफट अभी पहले निकलते और सीधा गाड़ी में जाते हैं। चलो निकल गए। ये देखो गांव के घर ऐसे ही होते हैं। भावेश भाई बताओ कैसा लगा गांव में आके? बहुत अच्छा, एकदम जबरदस्त है ना। नेचुरल ब्यूटी और मेन थिंग क्या है ना, जब सिटी में रहो सुबह सुबह पॉन्ड की पापा पीपी, यहाँ आके इतना शांति है ना, एकदम शांति, सुबह कुछ भी मतलब चिड़िया की आवाज भी एकदम एग्जैक्टली पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते ना उसको, एकदम चिड़िया की जो चहकाने की आवाज जिसको बोलते हैं वो सुनाई देती, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, देखो ये ऐसा टाइप का गांव है, बहुत मस्त लगता है। ये देखो थोड़ा सा चढ़ान वाला एरिया है, लेकिन अच्छा लगता है, थोड़ा एक्सरसाइज भी होता है ना। Exactly. यहाँ पे नेचुरली एक्सरसाइज हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो चलो आगे हम लोग ने गाड़ी वहाँ पे पार्क करी है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आरपीएम लेवल इसका नीचे आने देते हैं, उसके बाद निकलते हैं। 11:15 बज गए और थोड़ा सा लेट हो गया, बट ठीक है, फटाफट निकलते हैं अभी परशुराम भूमि में। चलो यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। तो ये है अपना गांव का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, ये मेन रोड है, ये बुरुंडी मार्केट की तरफ जाता है और हम लोग जाएंगे यहाँ से लेफ्ट मार के परशुराम स्टैचू। तो भाई फाइनली आ चुके हैं परशुराम स्टैचू के यहाँ पे, ये देखो यहीं पे गाड़ी यहाँ पे लगा दिया और थोड़ा आगे जाएंगे, एंट्री वेंट्री कहाँ पे वो दिखा देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो यहाँ तक देखी लिया तो भैया सब्सक्राइब बटन दबा देना, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, समझ रहे हो बात। चलो अंदर जाते हैं अभी। तो भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में आके मैंने अपना पेट पूजा चालू कर दिया, भावेश भाई ने तो मना कर दिया, कोकम शरबत पी रहा हूँ, प्योर कोकम शरबत कोकण का, और पी ले आइए भाई के यहाँ से। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये भाई के यहाँ से हमेशा जो भी है खरीद लेना, बंदा अच्छा है दिल का। यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं अभी हम लोग, ये देखो स्टैचू कितना सुंदर दिखता है, ज़बरदस्त। एंट्री फी कुछ नहीं है, मतलब इट्स अ फ्री एंट्री। तो चलो अंदर जाते हो, दिखाते आपको। ये देखो मंडे टू फ्राइडे 9 to 6, चलो अंदर जाते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो आगे देखो, वो जो है ना वो बेसिकली लाड़गढ़ बीच है और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये देखो ये स्टैचू है, ये स्टैचू है, ये देखो स्टैचू दिख रहा है आपको, बहुत ही सुंदर भगवान परशुराम का स्टैचू है, काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखो पूरा ग्रीनरी और हरियाली दिखता है यहाँ पे, देखो भावेश भाई यहाँ पे खड़े और मस्त दिख रहा है यार, ज़बरदस्त। चलो एंजॉय करते हैं। तो भाई अभी अगली क्लिप में आप एक ड्रोन शॉट एंजॉय करना। 1 2 3
भगवान परशुराम भूमि जो है उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पे होल्ड कर दूंगा वीडियो थोड़ी देर के लिए। 16 नवंबर 2010 में ये स्थापन हुआ था स्टैचू। अभी स्टैचू के बाजू में ही खड़ा हुआ है, क्या ज़बरदस्त दिखता है। ऑसम यार, दिस इज़ सिंपली स्पेक्टेकुलर। और ड्रोन शॉट कैसे लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो भैया सब्सक्राइब बटन दबा देना और भावेश भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अंदर भी जा सकते हैं बेसिकली, अंदर जाके ना इको साउंड इफेक्ट आता है, वो अभी मैं आगे जाके आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना और एंजॉय कर लेना। ये देखो, यहाँ से मैं यहाँ से आया था और ये ऐसा एंट्री पॉइंट है। यहाँ से अंदर जाके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आवाज़ मेरी आपको आती रहेगी लेकिन आवाज़ यहाँ पे इको साउंड इफेक्ट आता है, आप सुन ही सकते हो। कुछ बोल के बता देता हूँ मैं अभी। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय बजरंग बली। ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा स्टैचू है भगवान परशुराम का, काफी जबरदस्त है। ये देखो, इट्स अ ह्यूज वन, पूरा साउंड इफेक्ट आता है, इको साउंड इफेक्ट। ये देखो, प्रॉपर 360 व्यू दे देता हूँ, काफी अच्छा है यार, जबरदस्त। यहाँ पे आके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, सुंदर है। तो चलो भाई, यहाँ से निकलते 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 12 बज गए। अभी हम लोग जाएंगे चंडिका देवी मंदिर, टूवर्ड्स दाबोड़ जा रहे हैं अभी। दाबोड़ यहाँ से 19 किलोमीटर है, तो चंडिका देवी मंदिर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा है मंदिर। मतलब अगर शूटिंग अलाउड अगर रहेगी तो आपको भी थोड़ा सा दर्शन करवा देंगे। तो चलो निकलते हैं सीधा। पर रास्ता हाथ है ना, स्ट्रेट है ना एकदम? हाँ, पण असं का बोर्ड दिसत नाही असा? आणि ते नेटवर्क पण येत नाही? आणि गुहागरला जायला पण हाच रस्ता लागतो? गुहागरला काय आहे का बघण्यासारखं? आणि बीच आहे बस, त्याच्यात गाडी बोटी टाकायला लागते ना? ओके ठीक आहे ठीक आहे, चालेल, ओके थँक्यू। दाबोळ या से 12 किलोमीटर आहे। और ये देखो, सामने देखो, महाराष्ट्र की लाल परी, इसको बोलते हैं लाल परी, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ। चलो बढ़ते आगे, थोड़ा सा धूप है, हम लोगों ने थोड़ा सा एसी चला लिया। भाई यहाँ पे ये दिक्कत है, ये देखो, जैसे सामने से कोई गाड़ी आती है ना, एकदम संभाल के निकालना पड़ता है। ये देखो, सामने से भी अभी आगे भी अपनी लाल परी आ रही है और सामने से भी लाल परी आ गई, तो भैया संभाल के जाना पड़ता है, दिक्कत होती है, दिक्कत। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेफ्ट मारे कि राइट मारे। ये देखो, राइट भी है लेफ्ट भी है, और प्रॉपर ऐसा बोर्ड नहीं है, चंडिका देवी मंदिर का बोर्ड नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है, तो वहाँ पे थोड़ा भावेश भाई, ये देखो भावेश भाई वहाँ पे पूछने गए, और जब भी आएंगे तभी पता चलेगा। कहाँ से जाना है भावेश भाई? लेफ्ट मारना है ना, ठीक है, तो लोकल से पूछना बेटर रहता ना, बेटर रहेगा। चलो निकलते भाई, चंडिका देवी मंदिर सर है ना? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो भाई लोकल से पूछ लिया वापस मैंने, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड नहीं है और नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, जियो का भी नहीं है, वोडाफोन का भी नहीं, ये दिक्कत है, और रास्ते भी पतले है काफी। तो भाई फाइनली एक बोर्ड दिख गया, ये देखो सामने दाबोड़ स्ट्रेट है फेरी बोट, गुहागर भी स्ट्रेट है, दाबोड़ 7 किलोमीटर है, गुहागर 20 है, चिपळूण 64 और रत्नागिरी 113 और पन्नाळे काजी 24 किलोमीटर और दापोली यहाँ से और 22 किलोमीटर जा सकते हैं हम लोग। तो भाई जैसे ही आगे आए हम लोग उस मोड़ से, रोड थोड़े चौड़े हो गए, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए, अभी एक गाड़ी सामने से आराम से पास हो सकती है। ये देखो काफ़ी चौड़ा रोड है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुक गया था। ये देखो कुछ तो है यहाँ पे, आरोही सी व्यू अपार्टमेंट ऐसा लिखा है, लेकिन भाई नज़ारा जो है ना भाई, ये देखो नज़ारा, देखो आगे देखो, पूरा समंदर है भावेश भाई, देखो वहाँ पे खड़े शूट कर रहे, पूरा दरिया दिखता है यार, जबरदस्त। चलो आगे जाके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और मैं थोड़ा सा नीचे चल के आ गया। ये देखो भावेश भाई वहाँ पे गए, पूरा समंदर का ये दिखता है, ये देखो क्लिफ है प्रॉपर, ये देखो प्रॉपर दिखता है, जबरदस्त यार। पायलट्स का आदान प्रदान हो चुका है और अभी भावेश भाई गाड़ी चला रहे और मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा व्यू एंजॉय करूँगा, व्यू
पिछली क्लिप में जो आपको दिखाया था समंदर का व्यू, वो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बता देना। अभी चलते हैं सीधा चंडिका देवी मंदिर की तरफ। फाइनली आ चुके हम लोग। ये देखो आगे एक कमान दिख रही है, वहां से अपने को अंदर जाना है, तो चलो जाते हैं अंदर। चंडिका मंदिर दाबोल ऐसा लिखा हुआ है, तो अपने को यहाँ से चलना पड़ेगा। बट प्लीज अगर आप आओगे तो देखते देखते आना, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रहेगा और रोड अगेन काफी नैरो है और गूगल मैप चलता नहीं है। गूगल मैप यहाँ पे चलता नहीं है क्योंकि नेटवर्क नहीं आता यहाँ पे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाई फाइनली आ चुके हैं चंडिका देवी मंदिर में। ये देखो ये मंदिर है, गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और ये अपने भावेश भाई स्टाइल में वॉक कर रहे हैं। स्टाइल बहुत मारते हो भैया तुम। बिल्कुल स्टाइल में ही लाइफ है, बराबर। जीपे कर दिया सही सही है सही है, जीपे कर दिया भावेश भाई ने। तो भावेश भाई की मैं जब भी तारीफ करता हूँ मुझे 500 रुपए जीपे मिलता है, समझ रहे हो। तो पैसे के बिना मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे ही मजाक था, समझ रहे हो। चलो सब्सक्राइब कर देना भैया। तो ये है अपना चंडिका देवी मंदिर, अभी अंदर जाएंगे और दर्शन लेंगे माता के। चलो आराम से आ भावेश भाई, अंधेरा है तो आराम से आना। हाँ दिखता नहीं है, नहीं ना पकड़ना रही थे। तो भाई हो गया दर्शन अपना, चलो देखते। तो भाई हम लोग मंदिर में आ चुके हैं, मंदिर का मैं माता के दर्शन हो गए। तो अभी चंडिका देवी मंदिर के बारे में, उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में मराठी में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे मंदिर के पुजारी जी, तो अभी आपको बताएंगे। चलो पांडवकालीन देवस्थान है, पांडवकालीन म्हणजे जेव्हा पांडव हे अज्ञातवासामध्ये होते, ओके, तेव्हा त्या पांडवांनी ती आपली गुहा खोडलेली आहे। गुहा खोदत असताना एक दिवस तिथे देवी आपोआप प्रगट झाली, ओके। देवी प्रगट झाल्या कोण ते फार मोठं घनदाट असं जंगल होतं, देवी आहे काय आहे कोणाला काही माहिती नव्हतं। एके दिवशी त्या देवीने जमनापूर एक नावाचे साधू संत ध्यानस्थ बसले होते जंगलामध्ये, त्यांना दृष्टांत दिला, ओके, की अमुक अमुक ठिकाणी एक पाण्याचा जिवंत झरा होतो, त्या जिवंत झऱ्याच्या वरती चढून आल्यानंतर तुम्हाला एक भारी मोठी शिळा दिसेल, ओके, ती शिळा बाजूला करा व आतमध्ये प्रवेश करा, माझी तिथे मूर्ती आहे। त्याप्रमाणे त्याने सर्व खाणाखुणा ठेवून दरवाज्यावरती शिळा बाजूला केली आणि आतमध्ये प्रवेश केला, तर काळोख्या अंधारामध्ये त्यांना हे देवीची पाषाणी मोठी मूर्ती सापडली। अच्छा, त्यांनी काही त्यांनी पूजा अर्चा नैतिक चालू केली। काही काळानंतर इथे बाळ नारायणपुरी म्हणून हे वास्तव्याला आले, ओके। वास्तव्याला आल्यानंतर जमनापुरी यांनी त्यांच्याकडे पूजा अर्चेचा मान देऊन त्यांनी देवीच्या समोर जिवंत समाधी घेतली आहे। अच्छा, ह्या देवीला आतमध्ये गाभाऱ्यामध्ये लाईट रॉकेलचा दिवा काही चालत नाही। अच्छा, नवरात्रामध्ये महार मोठा उत्सव असतो, देवळातून बाहेर पडलात की त्यांची तुम्हाला जमनापुरी यांची जिवंत समाधी बघायला मिळेल। अच्छा, त्याच्या बाजूला त्या भरपूर तुम्हाला जे लिंग दिसतात शिवलिंग, ते शिवलिंग नसून आमचे पुरी पुजारी गोसावी समाजाचं स्मशान मठ आहे ते। आमच्यामध्ये माणूस वारला मेला की त्या चौकोनामध्ये खड्डा करून तिथे माणसाला ठेवतो आणि 12व्या दिवशी ती पिंडी स्थापन केली जाते। हे मंदिर खाजगी देवस्थान असून पुरी घराण्याकडे औशंबरेपर्यंत पुरी घराण्याकडे आहे। अच्छा, आता पुरी घराण्याची इथे 32वी पिढी चालू आहे, ओके। मी या मंदिराचा ट्रस्टी अध्यक्ष पुजारी दिलीप मोहन पुरी दाबो। धन्यवाद काका, धन्यवाद, थँक यू सो मच इन्फॉर्मेशन दिल्याबद्दल, थँक यू सो मच। तो यहाँ पे देखो जो पुजारी जी बता रहे थे, ट्रस्टी और पुजारी जी, जमनापुरी इनकी समाधि है यहाँ पे। ही देखो काफी अच्छा लगता है यहाँ पे, जबरदस्त। ये देखो ऑसम, दिस लुक्स स्पेक्टेकुलर। ये मंदिर है और ये अपने भावेश भाई। और भाई अगर मंदिर के अंदर जा रहे हो ना तो थोड़ा संभाल के जाना, क्योंकि सर टकरा सकता है, तो झुक के जाना हमेशा। वैसे भी भगवान के सामने हमेशा झुक के ही रहना चाहिए, समझ रहे हो बात। वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो भैया सब्सक्राइब का बटन दबा देना। चलो निकलते हैं अभी। चलो भाई हो गया अपना दर्शन, काफ़ी अच्छा था। और अभी सोच रहे कि यहीं पर खाना खा लें क्योंकि 1:30 बज रहा है, तो देखते हैं, लेट्स सी। चलो भाई यहाँ पे है, ये देखो ये मंदिर के बाजू में ही है ये घर, यहाँ पे आ गया मैं। इस पर्टिकुलर जगह का डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे हम लोग अभी वेज थाली ले रहे हैं। यहाँ पे देखो उकड़ीचे मोदक आपको मिल सकते हैं, उकड़ीचे मोदक मेहतिल ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे खाना खाएंगे उसके बाद आगे निकलेंगे, आगे कहाँ निकलेंगे वो आपको आगे बताते हैं। चलो खाना खाते पहले।
तो भाई ये देखो वेज थाली आ गया, सेम भावेश भाई ने और मैंने सेम मंगा लिया। चलो अभी खाते हैं यार, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, टूट पड़ेंगे अभी खाने पे, खाएंगे नहीं खाने पे टूट पड़ेंगे। चलो खाते, चलो भाई हो गया खाना, और खाने का रिव्यू अपने भावेश भाई देंगे। भावेश भाई बताओ कैसा था खाना? खाना बहुत टेस्टी था, एकदम घरगुती टाइप का, घरगुती टाइप का नहीं घरगुती था, घर का ही था काफी, घर का था खाना, चपाती, राइस, दाल, दाल, सोल कड़ी सब चीज था, जबरदस्त ना, दबा के हाईली रिकमेंडेड। चलो हम आगे जाते हैं और आपको बोर्ड दिखाते हैं। अभी ये मंदिर के मतलब सामने ही है, ये देखो घर आप देख लो, ये मंदिर के सामने ही है। चलो, श्री स्वामी समर्थ शुद्ध शाकाहारी जीवन, ये देखो इनका नंबर भी आप नोट कर सकते हो, संदीप गिरी करके, ये नंबर आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो और खाना खा सकते हो, वेज मिलता है। ये देखो मंदिर के एग्जैक्टली सामने ही है। तो चलो अभी गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, 2:24 और हम लोग ने डेस्टिनेशन जो है वो डाल दिया है, कड़ियावर सा गणपति, जो यहाँ से चंडिका देवी मंदिर से एग्जैक्टली 50 किलोमीटर बता रहे भैया। तो चलो निकलते हैं, 1.5 घंटा 1.25 घंटा बता रहे हैं। चलो भाई प्लान में थोड़ा चेंज है, अभी राइट मारेंगे और पहले जाएंगे पन्नाड़ के जी केव्स में। तो भावेश भाई पन्नाड़ के जी केव्स जाके ही आता है, जाके आते हैं ना, 11 किलोमीटर ही है। बिल्कुल। चलो यहाँ से राइट मारते हैं और पन्नाड़ के जी केव्स जाते हैं पहले। तो भाई फाइनली गाड़ी लगा दी है यहाँ पे, ये देखो भावेश भाई स्टाइल मार रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे केव्स है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली, और अब अपने को आगे ऐसे चल के जाना है। 28 केव्स है टोटल, 28 केव्स है जो अपने देखना है अपने अपने को आगे जाके। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का, ये देखो ये लिखा है कुछ, तो ये 1958 से है, मतलब ये जो है पर्टिकुलर ये मॉन्यूमेंट 1958 से बना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक नोटिस भी है, मगरमच्छ से सावधान, अभी ये क्यों लिखा वो आगे जाके पता चलेगा, आगे शायद नदी है। चलो दिखाते हैं आपको अभी नज़ारे, जबरदस्त। भावेश भाई क्या बोलते हो, एकदम जबरदस्त ना, जबरदस्त। ये देखो यार पेड़ भीड़ दिख रहा है, मस्त है एकदम यार, यहाँ पे फोटो लिया जा सकता है, क्या सुंदर, एकदम वॉलपेपर जैसा लगता है, एकदम वो पीसी पे वॉलपेपर होता है ना वो टाइप का ऐसा लग रहा है, क्या सुंदर है यार, जबरदस्त, चौचक भैया, चौचक दृश्य। ये सेकेंड गुफा है बेसिकली, ये सेकेंड गुफा है, अभी पता नहीं मुझे अंदर जाने को थोड़ा सा ना स्केरी टाइप लग रहा है, तो मैं बाहर से ही दिखा देता हूँ। ये देखो पन्नाड़ काजी केव्स बोलते हैं इसको, ऐसे बहुत सारे आगे, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, ये देखो यहाँ से ऐसा पूरा केव्स ही है ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, ये देखो ये टाइप का कुछ है ऐसा, ये देखो आगे भी है, आगे भी आप देख सकते हो, आगे बहुत सारे केव्स है ऐसे। तो चलो आगे जाके दिखाते हैं आपको। हाँ भाई, तो जो मगरमच्छ का था जो लिखा था ना वो नोटिस, वहाँ पे एक नदी है, वो देखो वहाँ पे ना ऐसी नदी बह रही है, आगे जाके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे ऐसे केव्स है। तो चलो, तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं, अभी 3rd या 4th केव है, और यहाँ पे एक ये चीज़ ऐसी लग रही है, अभी ये क्या है एग्जैक्टली आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, अगर पन्नाड़ के जी के पास किसी ने विजिट किया है तो ये चीज़ क्या है वो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा भाई नॉलेज देना चाहिए, नॉलेज अगर है तो बांटना चाहिए भाई, एज सिंपल एज दैट, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ क्या है। ये देखो बेसिकली ये आगे देखो ये नदी है यहाँ पे ऐसे, ये दिख रहा है ये नदी है पूरी यहाँ पे ऐसे ऐसे नदी है ये, और यहाँ पे केव्स है ठीक है, और वो भावेश भाई वहाँ पे स्टाइल मार रहे हैं ठीक है। तो चल फाइनली कुछ अच्छा लगा है, मतलब ये देखो प्रॉपर एक आर्किटेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखो क्या सुंदर है ना, जबरदस्त। ये देखो यहाँ पे भी कुछ है छोटा सा ऐसा, और यहाँ पे प्रॉपर एक आर्ट है वो, मतलब अच्छा लग रहा है देख के। थोड़ा सा आगे जाते और दिखाते आपको, चलो प्रॉपर है यार, मस्त लगता है, ये देखो इट्स अ प्रॉपर आर्ट, काफ़ी सुंदर लग रहा है, इट्स नाइस। अंदर भी कुछ है लेकिन मेरी जाने की हिम्मत हो नहीं रही है, अंदर थोड़ा सा इको साउंड आ रहा है बेसिकली, अच्छा है लेकिन इट्स अ नाइस स्पॉट। थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग, ये देखो यहाँ पे भी कुछ है पर थोड़ा सा ब्रोकन है ये, मतलब ये देखो आप टिल्ड करके रखा हुआ है ये थोड़ा सा, ये भी केव ही है एक टाइप की, बट एज आई सेड
प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी है तो दिखा देता हूँ, ये देखो प्रॉपरली ऐसा मेंटेन नहीं किया है। सो वो तो है, चलो आगे बढ़ते भाई। ये पत्थर पे जो आर्ट है ना उसको जरा गौर से देखो, मंदिर जैसा शेप लग रहा है, सुंदर तो लग रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रॉय हो चुका है ऐसा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे भी छोटी मोटी केव्स है और यहाँ पे वो डेंजर साइन लिखा है, देखो यहाँ से नदी का रास्ता है तो बेसिकली यहाँ नीचे जाना मत ऐसा लिखा है, मगरमच्छ बहुत है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे पन्नाड़ के जी में हम लोग घूम रहे थे तो यहाँ पे हम लोग को कुछ महाराष्ट्रन भाई मिल गए, पुणे के सब लोग, तो दिखा देते। तो ये अपने भाई लोग, तो भाई लोग पुणे तिते थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो भाई निकलते अभी, टाइम कितना हुआ, ऑलमोस्ट 3:15 बज गए। कितना टाइम होगा भावेश भाई? पौने चार हो गए, निकलते यहाँ से। कैसा लगा भावेश भाई वैसे? बहुत अच्छा था, अनएक्सप्लोर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनएक्सप्लोर्ड है ना थोड़ा सा, और अपने को यहाँ पे 5-6 लोग भी मिले थे, काफी अच्छे थे वो लोग, काफी अच्छे थे पुणे के थे। और सेकंड थिंग क्या है ना कि ये जो चीज है काफी नेचुरल है, अगर आप लोग आ रहे हो तो प्लीज इसको खराब मत करना। हाँ वो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज खराब मत करना, जैसा है वैसे ही होना चाहिए। एग्जैक्टली, आप देख भी सकते हैं कितनी पुरानी है, कितना पुराना ये चीज है, ये देखो एक्चुअल में पूरा पुराना, जबरदस्त अच्छा लगा ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ से बाहर आ चुके हैं पन्नाड़ के जी के, यहाँ से अभी राइट मार के सीधा अपन जाएंगे दापोली की तरफ। दापोली यहाँ से 11 किलोमीटर है भाई, यहाँ से अभी अपने को 500 मीटर में लेफ्ट मारना है। देखो यहाँ से लेफ्ट मारना है, ये बोर्ड देखो बहुत सारा बड़ा बोर्ड है, तो ये देखो सामने बोर्ड है, बेसिकली अपने को बुरुंडी के लिए और लाड़गढ़ के लिए लेफ्ट जाना है, कृषि विद्यापीठ भी लेफ्ट है और कड़ेवरचा गणपति के लिए अपने को सीधा जाना, तो अपन सीधा रखें भाई। एक चीज तो है, दापोली से जो आंजरले और जो कड़ेवरचा गणपति जाने के लिए जो रोड है ना भाई, लिटरली चौड़ा भी तो है ही और एकदम प्रॉपर डांबर का पैच है, तो एकदम चुम्मेश्वरी वाला फीलिंग आता है, चुम्मेश्वरी रोड जबरदस्त भाई। यहाँ पे देखो एक बोर्ड है, ये जो एसटी बस जा रही है ना वो मुरुड़ बीच जा रही है बेसिकली। तो भाई ये नजारा देखो, और नजारे के बारे में भावेश भाई क्या बोलते हो, कैसा नजारा है? व्यू कंचा व्यू गाड़ी यहाँ पे और दरिया वहां पे, जबरदस्त भावेश भाई यहाँ पे और दरिया यहाँ पे, भावेश भाई होंडा सिटी यहाँ पे और दरिया यहाँ पे, जबरदस्त। हरने बीच से हम लोग 6 किलोमीटर पीछे है, मतलब यहाँ से हरने बीच 6 किलोमीटर है और कड़ेवर से गणपति अराउंड 18 किलोमीटर है। तो चलो, हाँ बीच लेके चलेंगे, पहले गणपति दर्शन उसके बाद बीच। मेरे हिसाब से हम लोग आते वक्त मुरुड़ बीच घुस सकते हैं, वहाँ पे गोला वगैरह खाएंगे मस्त, है कि नहीं? चलो फिर इस नज़ारे को लेके निकलते आगे। तो भाई वापस एक बार रुके, गाड़ी यहाँ पे लगा दिए और ये नज़ारा देखो यार, ऑसम यार, सिंपली स्पेक्टेक्युलर। ये देखो पूरा दरिया दिखता है यहाँ से, क्या सुंदर है यार। भावेश भाई इस पर्टिकुलर व्यू को क्या बोलोगे? झकास, अनिल कपूर के स्टाइल में एकदम झकास, जबरदस्त व्यू है यार, जबरदस्त। भावेश भाई ये स्पॉट कैसे लग रहा है? बहुत ही कंचा, जबरदस्त ना। ये देखो गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और यहाँ पे अभी हम लोग चल के जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त वाला व्यू, क्या बोलते हो? जबरदस्त ना भावेश भाई, जबरदस्त यार, एकदम तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ से भाई साहब, आराम से है भावेश भाई, अल्टीमेट अल्टीमेट। ये देखो यहाँ से गाड़ी लगा दी है हम लोग, यहाँ से ऐसे चल के आए थे, जबरदस्त पूरा सिटी का व्यू आ रहा है, ऑसम यार ऑसम, दिस इज सिंपली स्पेक्टेक्युलर भाई, मजा ही आ गया आज, मजा आ गया, ये मजे का बाप है भावेश भाई। राइट, ये देखो ये जो सनरेज पड़ रही है ना पानी में, ये देखो ये तो भाई ये वाली सनरेज की बात कर रहे हैं भावेश भाई, जबरदस्त यार, ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है जो कि अपनी नेकेड आई कर रही है। हाँ जो आंखों से दिखता है ना भाई वो अलग ही लेवल का रहता है, आईफोन इतना कैप्चर नहीं कर पा रहे, लेकिन जो ये देखो क्या अलग ही सुंदर लग रहा है यार, सन रेस पड़ रही है ना, जबरदस्त ऑसम, दिस इज सिंपली स्पेक्टेक्युलर व्यू। और देखो नीचे से ऊपर से जो अपन लोग नीचे जो सिटी का जो व्यू हम ले रहे हैं, ये देखो ऑसम, जबरदस्त यार। आई थिंक ये पूरा हरने है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज हरने, हरने बंदर ही है शायद से, ये देखो यहाँ पे बंदर ऐसे है, लेकिन जो व्यू आ रहा है ना भाई तोड़ नहीं है यार, जबरदस्त भावेश भाई आज तो पूरा पैसा वसूल हो गया, पूरा पैसा वसूल हो गया, पूरा जबरदस्त यार।
हम लोग अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, अभी यहाँ पे आ गए। ये देखो बीच पूरा दिख रहा है यहाँ से, क्या जबरदस्त ऑसम यार, चुम्मेश्वरी, एकदम चुम्मेश्वरी नजारा, मजा आ गया मजा। यहाँ पे देखो एक ब्रिज है जबरदस्त, ये देखो कनेक्टिंग ब्रिज है, ये काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रुकते हैं और आपको दिखाते हैं। भावेश भाई आज नजारे रुकने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकने वाले। रास्ते चलते जाएंगे ना, नजारे रुकने वाले नहीं है। ये देखो वापस गाड़ी लगा दी हम लोग ने यहाँ पे, जबरदस्त व्यू है यार, ये देखो ऑसम, सिंपली स्पेक्टेक्युलर यार। वो देखो वहाँ पे सनसेट हो रहा है, काफी सुंदर लग रहा है, मस्त यार, ऑसम, सुंदर यार। भावेश भाई आज हमारे जो कैमरे की मेमोरी वो पूरी भरने वाली है, पूरी भरने वाली है यार, सीरियसली मैं अंदर जाके चार्ज में लगा रहा हूँ फोन को। आगे कुछ मतलब कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है, नजारे ही नजारे भाई, जबरदस्त यार। तो भाई फाइनली आ चुके हैं, ये देखो कड़ेवरचा श्री गणपति देवस्थान अंजरले, काफी अच्छा किया गेट। लास्ट टाइम जब भी आया था इतना अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा था बट ये काफी अच्छा लग रहा है, मतलब काफी अच्छे से कंस्ट्रक्शन किया है। ये देखो ये दर्शन, मतलब ये अंदर जाके अभी दर्शन लेंगे हम लोग, चलो जाते हैं अंदर फटाफट। तो वहाँ पे मंदिर है और ये अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखो गणपति से पहले पावन, मतलब भगवान जी का पहला जो पगमार्क था वो आगे जाके आपको दिखा देते। ये देखो लिखा भी है गणपतीचा पावला कड़े। तो चलो अंदर आते। यहाँ पे वैसे दिन के टाइम पे भी ज़्यादा धूप रहती है, थोड़ा सा आगे चल के आना पड़ता है। यहाँ पे शूज़ और चप्पल वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। तो राइट साइड में देखो यार सूरज चाचू, देखो क्या सुंदर लग रहा है, सनसेट देखो यार जबरदस्त, चुम्मेश्वरी नज़ारा सनसेट का, ऑसम व्यू यार, सनसेट इज लुकिंग स्पेक्टेक्युलर। यहाँ पे देखो गणपति के पाउल, मतलब भगवान जी का पगमाक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर, आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर। ये देखो ये बेसिकली भगवान जी का पगमाक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, ऑसम दिस इज। थोड़ा आगे चल के दिखा देता हूँ वो साइड से। ये देखो आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर भाई। वीडियो यहाँ तक अगर देख ही लिया तो भैया सब्सक्राइब बटन दबा देना। और ये सनसेट जो है ना इतना सुंदर लग रहा है ना, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से चल के दिखा देता हूँ, बहुत ही जबरदस्त यार, एकदम चुम्मेश्वरी नजारा, ऑसम, सिंपली स्पेक्टेक्युलर, मजा आ गया। ये पर्टिकुलर जो जगह है ना पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो अच्छा ही लगता है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया देख के। तो भाई मंदिर के बाहर आ चुके हैं, अभी पियेंगे कोकम शरबत, चलो पीते इसको यार ठंडा लगेगा बहुत। चलो भाई हो गया अपना ताम जाम, कोकम शरबत भी पी लिया अभी फटाफट, अभी निकलेंगे सीधा चलेंगे अपन मुरुड़ बीच। टाइम हो रहा है 6:00 बज रहे हैं भाई, अभी मुरुड़ बीच की तरफ जा रहे हैं और रास्ता जो है वो काफी अच्छा है। और भावेश भाई हाँ। एसी की जरूरत है क्या अभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों विंडो डाउन है, सनरूफ भी अपना ओपन है, जबरदस्त ना, बहुत ही नेचुरल एयर है, नेचुरल एयर है ना, बहुत मजा आ रहा है। चलो एंजॉय करते हैं अभी। तो भाई वापस एक बार रुक गए, ये देखो गाड़ी वहाँ पे लगा दी है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि थोड़ी देर पहले हम लोग ने मिस किया था, अच्छा पॉइंट है बेसिकली, इसको शायद से सनसेट पॉइंट बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखो चिल मार सकते हो यहाँ पे बैठ के आप, अच्छा है, इट्स अ गुड वन, ज़बरदस्त, मतलब आप यहाँ पे आके थोड़ा सा चिल मार सकते हो, इट्स अ गुड स्पॉट, मज़ा आ रहा है। देखो पीछे वो जो दिख रहा है ना बीच में, समंदर के बीच में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये सुवर्ण दुर्ग फोर्ट है, सुवर्ण दुर्ग किला बोलते हैं, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो कमेंट करके करेक्ट कर देना मुझे। तो भाई फाइनली मुरुड़ बीच पे आ चुके हैं, यहाँ पे देखो अभी कुछ दिखेगा नहीं
दिखाने की कोशिश भी करूंगा तो भी दिखेगा नहीं, बीच एकदम सामने है देखो, और यह गाड़ी अपनी यहाँ पे लगा दी है। चलो भाई निकलते अभी यहाँ से, 8 बज गए, थोड़ा जल्दी ही जा रहे हैं हम लोग, अभी सीधा निकलेंगे दापोली, दापोली में कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, बताते हैं आपको। चलो निकलते हैं। चलो भाई फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे, देखो कंफर्ट इन करके होटल है, यहाँ पे जाएंगे रेस्टोरेंट में और खाना खाएंगे। चलो भाई रात के ऑलमोस्ट 10 बज गए, मतलब 10 बजने को 15 मिनट बाकी है, खाना भी ना हो गया, पान भी खा लिया, अभी सीधा घर पे जाएंगे बुरुंडी में सो जाएंगे। कल का क्या प्लान है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो निकलते हैं अभी यहाँ से। भावेश भाई खाना कैसा था वैसे? अच्छा था, अच्छा था ना, डिसेंट था ना, डिसेंट था, मतलब कंफर्ट इन होटल का अच्छा था ना, मतलब प्रॉपर पुणे मुंबई जैसे होटल्स का व्यू था ना, मतलब वो टाइप का था ना। चलो अभी चलते हैं। चलो चलो गाइस, तो घर पे पहुंच गए हम लोग, रात के 10:30 बज गए, थोड़ा लेट हो गया, और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, हेक्टिक था थोड़ा सा लेकिन अच्छा था, काफ़ी जगह एक्सप्लोर की हम लोग ने, वीडियो में आपको दिखी जाएगा। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कहाँ शेयर करोगे, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और ट्विटर, सब जगह दबा के शेयर करो, और सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू भावेश भाई।